कोई और बाकी अभी आने वाला है? सर आयशा अंशरा और स्टेला आ सकती हैं, उनका मैसेज किया। अच्छा आयशा अंशरा और स्टेला क्या हैं? आ सकती हैं। ओके ठीक है, आयशा को फौरन बुला लें क्योंकि आयशा का फिर प्रॉब्लम हो जाता है कि मुझे ये समझ में नहीं आया वो नहीं आया। आप लिख के बता दें, लिख के ही बता रहा हूँ तुम भाई, मैं जल्दी से उनको बोले एक दो मिनट के अंदर आ जाए ताकि मैं फिर स्टार्ट करूँ क्लास। मैं स्टार्ट कर दूं? अनस अहमद जी सर, आई एम प्रेजेंट। स्टार्ट कर दें क्लास। अब्दुल बासित कहाँ पर है? अशद कहाँ पर है? अशर कहाँ पर है? कहाँ पर है भाई सारे लोग? सर आशर बीमार है, मैंने बासित को मैसेज करे, वो उन्हें उनको मैसेज पहुंच हो गया, उनका सीन नहीं हुआ अभी तक, अगर वो सीन कर लेते तो देंगे। ठीक है, चलो अच्छा अपना स्टार्ट करता हूँ। पहले 2-5 मिनट में पिछला रिवीजन कराता हूँ, जो मैंने सब कुछ पिछले बहुत सारी बातें बताई थी ना वो सब रिवीजन कराता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको नए टॉपिक पे लेके आता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के, जो 90 डिग्री नहीं होता उस वाले चीज पे जाता हूँ। पहले हमने क्या किया था, जो 90 डिग्री होता है उस वाले के जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे कर लिए थे, और अब क्या करेंगे जो 90 डिग्री नहीं होता उसको कंपेयर करवाएंगे कि भाई ये देखो ये ऐसा 90 होता था, इसमें से हमने कुछ प्लस माइनस किया ताकि वो 90 ना बने। सही है? सही अच्छा अब जरा देखिए, ठीक है सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो हमने ये पढ़ा था, ये आप जल्दी से पढ़ते जाइए आप लोग, पहले ब्लू बॉक्स पढ़िए उसके बाद नीचे वाला जो है ना वो पढ़िए, उसमें मैंने कराया था सोका टूआ का एग्जांपल, साइन कॉस टैन कैसे होते हैं, क्या होता है और क्यों होता है, यही बताया था मैंने, क्यों का मतलब मैंने दिया था आपको। पढ़ लिया? अच्छा देखें अब इसके बाद स्टिल आर यू हियर? यस सर। अच्छा जल्दी से सुनो, हम लोग जो है पिछली क्लास का हल्का सा 5 मिनट का रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद में जो 90 डिग्री नहीं होते थे ना उनकी ट्रायंगल्स की थ्योरी बताऊंगा, ठीक है? ओके। अच्छा अभी फिलहाल स्क्रीन जल्दी जल्दी से पढ़ लो, ब्लू बॉक्स पहले पढ़ो जल्दी से, उसके बाद नीचे आते हैं। पढ़ लिया ब्लू बॉक्स? यस। अब जल्दी से आप लोग ये वाला बॉक्स पढ़िए जिसको हम सोका टुआ कहते थे, मैंने बताया था ना सोका टुआ बोल दो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, जो भी आप बोलना चाहो वो बोल दो। ये समझ में आया? यस। ये सारे देखिए, ये सारे आपको रेशियो समझ में आए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, साइन क्या होता है ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, टैन क्या होता है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ठीक है? अच्छा अभी किसके ऑपोजिट किसके एडजेसेंट से होते हैं ये बात बता दूं, एंगल के रेफरेंस से जो इंसान उसके बिल्कुल ऑपोजिट देखता है वो परपेंडिकुलर या उसको ऑपोजिट होता है, जो इंसान जो लेंथ उसके बिल्कुल बेस पे होती है उसको हम एडजेसेंट या बेस, ये तो बात पता ही है।
इसके नीचे आ जाऊं, फॉर्मुलेशन से नीचे आ जाऊं? यस सर। ओके, ये हो गया आपका, सही है। अब इसकी एग्जांपल ग्रेसिंग लाइन ये बताई थी मैंने आपको, ये इस तरह से निकल रही थी। इसमें कौन सा रेशियो लगेगा? इसमें बेस नहीं गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है और थीटा गिवन है, तो ये कॉस लगेगा इसके अंदर, राइट? बेस होगा हाइपोटेन्यूज के रेफरेंस से। यस। अच्छा, अब ये समझ में आ गया ना सबको क्या चल रहा है, ये कॉस क्यों आया है? यस। ये स्टेट आपके समझ में आया? जी सर। अनस अहमद? जी सर। ओके, और ये जावेद खान कौन है? हमारी क्लास में जावेद खान तो कोई नहीं था। अरे सर मैं हूँ, पापा के पास से खुला हुआ अंशरा हूँ। कौन हूँ? अरे अंशरा हूँ। ओके अंशरा, ओके सर अंशरा। हाँ अंशरा। अच्छा देखिए, मैं अच्छा ये देखिए कि ये वाली चीज समझ में आ गई, कॉस क्यों लग रहा है? जी सर। यस सर। अच्छा अब ये देखिए इसके अंदर, अब इसके बाद आ जाइए ये वाले में मिसिंग एंगल पे। देखो हमको लेंथ और एंगल के रेशियो चाहिए होता था हमेशा, मैंने आपके बात आई थी, या तो हम लेंथ का रेशियो लेते हैं या एंगल का रेशियो लेते हैं, राइट? ऐसे ही है ना। अब हम इसमें लेंथ को निकालने के बजाय इसमें हम एंगल निकाल रहे हैं, और एंगल निकालने के लिए भी वही रेशियो लेंगे, साइन कॉस टेन, सही है? तो अब देखें इसके अंदर क्या गिवन है। इसके अंदर मुझे ऑपोजिट गिवन है और एडजेसेंट गिवन है, व्हिच मींस मैं साइन नहीं लगा सकता, मैं कॉस लगा सकता, क्योंकि उसके अंदर हाइपोटेन्यूज आता है। जिसमें हाइपोटेन्यूज नहीं आता वो होता है टैन, और टैन के बेसिस पे टैन थीटा या टैन जी इज इक्वल्स टू 5/8, सही है? परपेंडिकुलर या ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, राइट? ठीक हो गया। अब फिर थीटा किस तरह से निकालेंगे? आप थीटा निकालेंगे टैन इनवर्स करके, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस जगह पे देखिए टैन जी इज इक्वल टू 5/8। अब जब जी निकालना है तो क्या हो जाएगा, टैन वहां जाके राइट हो जाता है, तो मतलब -1 पावर -1, सही है? तो इसको कैलकुलेटर में किस तरह से करेंगे, हम करेंगे शिफ्ट, जो कैलकुलेटर सबसे ऊपर होता है ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, वो होता है शिफ्ट, उसके बाद हम टैन लिखेंगे तो टैन इनवर्स आ जाता है, उसके बाद ये वाला फ्रैक्शन लिख देंगे हम, ठीक है? समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, एग्जांपल क्वेश्चंस तो आपने कर लिए थे पहले ही। क्या था इसमें देखिए, बेस गिवन है, समझ में आ गई वाली चीज? नहीं सर, दोबारा एक बार बताएं। भाई इसमें जो है थीटा गिवन है, बेस या एडजेसेंट गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है। साइन कॉस टेन में से कौन सा वाला फॉर्मूला लग सकता है इसमें? कॉस लग सकता है, कॉस प्लस। हाँ तो देखो ये कॉस उन्होंने लगा दिया, इससे पी फाइंड आउट कर लेंगे आप? सर एक बार फिर से पूरा समझा दें, मुझे समझ नहीं आई है। जी आप बीवी से आवाज ना गायब हो रही है तो अटक कट कट के समझ में आ रहा है। अच्छा, व्हाट आई एम सेइंग इज के कॉस 43 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा 45, बेस नहीं सर, बेस और हाइपोटेन्यूज होगा ना, बस। तो इन्होंने यही करा है, जहाँ जहाँ जो जो चीजें फिट हो रही थी उन्होंने वहां लगा दी,
उसके बाद वो पी के लिए सॉल्व कर देंगे, दैट्स इट। ओके सही है जी सर। अच्छा देखें पी का आंसर क्या आ रहा है, 47.9 सही है। सिमिलरली इसमें क्या लगेगा, साइन लगेगा, कॉस लगेगा, टैन लगेगा। देखें हाइपोटेन्यूज आ रहा है तो टैन तो नहीं लग सकता, सही है। परपेंडिकुलर भी है, हाँ अब ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज भी बने, फिर साइन लगेगा। थैंक यू, थैंक यू सफा। ये देखिए ये लग गया, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा उसका आंसर, बात समझ में आ गई। अच्छा इस पे ही मुझे देखें थीटा निकालना है, तो व्हिच मींस कि थीटा कैसे आएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 13 ओवर 15 है, साइन इनवर्स करूंगा, साइन इनवर्स मतलब शिफ्ट करा के साइन, और उसके बाद ये फैक्टर करूंगा मैं। या ठीक हो गया भाई, अब बताइए इसमें क्या लगेगा। अंशरा आप बताइए इसमें क्या लगेगा। इस वाले फॉर्मूले में क्या लगेगा भाई, साइन कॉस टेन क्या लगेगा, टेन टेन क्यों, क्योंकि हाइपोटेन्यूज नहीं गिवन है, इसलिए हम ना साइन लगा सकते ना कॉस लगा सकते, हम टेन लगाएंगे। टेन कैसे लगाएंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही है। परपेंडिकुलर क्या है, टू, बेस क्या है टू, दोनों टू टू ही है तो क्या हो जाएगा, वन आंसर आएगा, टेन डब्ल्यू इक्वल्स टू वन हो जाएगा ये, देखिएगा। और 45 इसका आंसर होगा, ये थोड़ी सी लंबी की भी है। अच्छा इन्होंने बेसिकली आइडेंटिटी लगाई है, चलिए अभी वाली बाकी को, लेकिन आपने समझ में आ गई क्या हुआ, टैन किस तरह लगा है। और देखो बोल रहे फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन, तो उससे हमें रेशियो से पता लग जाता है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, लेकिन यही w plus w plus 90 को सोने, तो W plus W जो 2W हो गया और वो हमारा माइनस 90 हो गया, तो ये 45 हो गया, तो साइन 45 क्या होता है, 1 ओवर अंडर रूट 2, ये रेशियो है एक तरह से, अभी आप छोड़ दो इसको, लेकिन समझ में आ गई टैन लगा था। यस सर। अच्छा इस बाद आइए क्या होगा, कौन सा लगेगा फॉर्मूलेशन, सर साइन जी, क्योंकि सी भी जो है वो आपका ऑपोजिट है, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज गिवन है, एंगल भी गिवन है, कौन सा लगेगा, साइन लगेगा, ये देख लीजिए, ठीक है। समझ नहीं आया एक दफा, देखो वो बोल रहे हैं सवाल पढ़े हम, बोल रहे हैं ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, फाइंड द लेंथ ऑफ सी बी, सी बी वाला साइड है, इस एंगल के लिए ऑपोजिट है, yes that's it, opposite पता नहीं है, hypotenuse given है, तो opposite और hypotenuse किस वाले formulation में लगता है, sin में लगता है, yes sin लग गया, ठीक है समझ में आ गई, yes sir, okay ये आखिरी question है, इसके बाद फिर हम ये revision खत्म, फिर हम नए topic पे जाते हैं, इसी के अंदर रहते हुए पढ़िए पढ़िए पढ़िए, इसमें क्या लगेगा, साइन लगेगा, कॉस लगेगा, टैन लगेगा, टैन लगेगा, बिकॉज देयर इज अ हाइपोटेन्यूज, देयरफॉर आई विल बी यूजिंग टैन, सही है, यस। देखिए हम लोगों ने ना इसको जज करने का एक तरीका होता है, यू लुक फॉर हाइपोटेन्यूज, अगर हाइपोटेन्यूज गिवन है और वो फॉर्मूलेशन में कहीं आ रहा है तो टैन नहीं लगेगा, साइन या कॉस में कुछ लगेगा, सही है। And when hypotenuse is not given, automatically आँख बंद करके आप tan लगा दीजिए, सही है?
दिस इज अ ट्रिक टू द क्वेश्चन के सॉल्विंग सही है भाई। अच्छा यहाँ से बात समझ में आ गई सबको, ये देखिए टैन लग। अब आ जाते हैं ये था साइन कॉस टैन, ये था ये देखिए ये हल्की सी रिवीजन ही है बस, ये पढ़ लो बस जल्दी से 3D पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा व्हाट डज दिस ए एंड बी एंड सी रिप्रेजेंट्स, ए बी सी जो है कुछ भी नहीं है, दीज आर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। तो हम पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह से लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे ही है। समझ में आ गई, लेकिन उन्होंने बस नीचे जाना ये एक तरह से वो किया हुआ है तो फॉर्मुलेशन समझाएंगे किस तरह से होगा। अच्छा ये थोड़ा 3D ट्राइंगल है तो ये हम ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे या हम उसमें पढ़ेंगे मेंसुरेशन के अंदर, तो लगता है एडवांस लेवल पे आ गए, वो भी बात की बात है ठीक है। मेंसुरेशन हमें थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ ही है, समझ में आ गई। अच्छा इसको अब छोड़ के अब आते हैं उन चीजों पे जो कि पाइथागोरस थ्योरम जैसी होती नहीं है, लेकिन हम उनको कंपेयर करा के उनको हम बोलते हैं चलो ठीक है 90 डिग्री मिला सकते हैं, सही है। देखो 90 के लिए मैंने बताई थी क्या होता था, पाइथागोरस थ्योरम होता था और साइन कॉस टेन होता था, राइट ऐसा ही है। यस सर। ओके और जब पाइथागोरस थ्योरम या 90 डिग्री नहीं होगा तो हम क्या लगाते थे, साइन रूल और कोसाइन रूल, ये तो मैंने आपको वीडियो के अंदर भी समझाया हुआ था, राइट। यस सर। अब आते हैं कोसाइन रूल पे, कोसाइन रूल क्या कहते हैं जल्दी से आप ये पढ़िए जरा, व्हेन वी फर्स्ट से पढ़े आप लोग पढ़ सक रहे हैं। अच्छा देखिए मास भी नहीं आया आज क्लास में, क्या हुआ मास को? यार वो ऑनलाइन क्लास है और हमने मैसेज भी किया हुआ भाई, वो मुझे इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं, व्हाट्सएप कॉल फिर 15-20 मिनट की कॉल, मैं बोलता हूँ बेटा आप क्लास में आ जाओ सब समझ में आ जाएगा, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है। पिछले जो हम लोग पिछली जो क्लासेस होती थी ना वो जो हम करते थे उससे मैंने वर्कशीट लगा दी थी वो सॉल्व कर रहे थे, बाकी आप सब लोगों ने सब पढ़ ली थी वो अभी सॉल्व कर रहे थे। मैंने बोला बेटा क्या हो गया आपको, कौन सी दुनिया में रह रहे हो, 2-3 महीने गुजर चुके हैं उस बात को, मैंने अगर आपने नहीं करी तो उसमें क्या कर सकते हैं, अब आगे तो बढ़े। नहीं सर तो मेरे से मांग रहे थे वाली अच्छी, वो कहते थे सर ने पहले दी थी 84 पेजेस वाली वो चाहिए। हाँ भाई मैं उनको जी जी बोले क्या जो सर आपने मुझे O2 में भेजी थी ना हमें हम सबको ट्रिग्नोमेट्री की PDF 25 पेजेस की, हाँ मैंने उसको वो भेजी तो कह रहे ये नहीं चाहिए, मैंने कहा फिर कौन सी चाहिए, यही तो है O2 वर्कशीट, कह रहे वो पिछली वाली चाहिए जो 84 पेजेस की थी, मैंने कहा भाई वो O1 की है, वो O1 वालों की है, वो हमारी नहीं है, वो हमारी ये वाली नहीं है, कह रहे नहीं मैं वाली सॉल्व करूंगा। हां वो जो हमने पिछले टर्म में की थी ना पिछली क्लास में वो वाली थी, अब वो बोल रहे हैं नहीं वो दे दें, मैंने बेटा मैं दे दूंगा लेकिन आप क्लास में आओ, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हमने लेके चलना है पूरा, आप क्लास में नहीं आओगे मैं कैसे समझाऊंगा आपको अलग से। फिर बोले नहीं सर मैं वो कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ समझ रहा हूँ, मैंने बेटा फिर आप देखो और समझो। सर एक और बात है कहना नहीं चाहिए, वो इतने सवाल करते हैं और कंप्लीट नॉनसेंस, जो सर ने बोल दिया होगा ना उसी से ही सवाल बना देंगे खुद
तेरा क्लास में अटेंटिव हो जाए। मैंने बोला देखिए जो गुजर गया वो गुजर गया, उसका मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने जितने क्वेश्चन कर लिए सही है, मैंने बोला पूरी बाकी आपकी क्लास ओवन ने, जब आप लोग ओवन में थे, मैंने बोला सब कुछ हर कोई सब तरीके से सारे सवाल कर चुका था, मतलब जितने मसले होते थे मैं क्लास में सुना जाता था, इसको यूँ कर ले इसको यूँ कर ले। मैंने आप उस वक्त अटेंटिव क्यों नहीं थे पहली बात, मैंने चले आप नहीं था कोई मसला नहीं, आप नया टॉपिक स्टार्ट कर लें क्लास में आ जाए, अब देखें क्लास भी नहीं है, हालांकि पता है उनको टाइम टेबल। मैंने उनको फिर से फिर मैंने भी मैसेज पे दोबारा करा है। मैं उनको मैसेज करा के ज्वाइन कर लो क्लास में, उनके पास मैसेज पहुंचा नहीं। अच्छा मेरे ख्याल से आज आप लोगों का क्विज वगैरह भी है ना, तो क्विज है ना आप लोगों का? एक सेकंड से मैं देख के बताना पड़ेगा, मुझे पता भी नहीं है क्या चल रहा है। रोज रोज कोई अपडेटेड टाइम टेबल आ जाता है, रोज रोज का ही अपडेटेड टाइम टेबल। अच्छा देखें अगर क्विज आज है तो फिर मैं जो हूँ कल जो है आप लोग से कोई फ्री स्लॉट लेके या कोई इस तरह से टाइमिंग करके, या फिर मैं आपको रीशेड्यूल करवा के फिर आप लोगों का क्विज ले लूंगा, ठीक है? क्विज असेसमेंट सर, एक और कल फिर से अपडेटेड टाइम टेबल आया हुआ है, मंथली टेस्ट टाइम टेबल का अपडेटेड वन। हां तो उसमें कल से 2nd और 3rd जुलाई वगैरह का है कुछ ना, तो देखें वो मैं कर लूंगा, समस्या नहीं है। हमारा मेन मोटिव अभी ये होना चाहिए, आज आपका नहीं है, नहीं एक मिनट मैं O2 देख रहा हूं, O1 देख रहा था, सॉरी जी सर, आज आपका है टेस्ट, पहले आपका ये 10 बजे। हां तो एक काम करें ये अगली वीक चले हैं, ठीक है? कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही क्या है जो हम क्विज ले लें, हमने तो साइन कॉस टेन पढ़ा है बस, और पाइथागोरस पढ़ा है, और हम पिछले टाइम का रिवाइज कर रहे थे, तो मतलब रिवीजन का ले सकता हूं मैं क्विज, लेकिन आई थिंक दैट्स पॉइंटलेस। सर वो गेम पबजी बैन कर दिया सर। इट्स ऑल राइट, नहीं सर मैं खेलता भी नहीं, छोड़ दी कब की गेम, छोड़ दी वो खेलना। और सर इतनी पोस्ट आ रही है मेरी टाइम में भरी भरी है कि पबजी क्यों बैन करा, तो एग्जाम भी बैन करो, ग्रेडिंग सिस्टम से इतने सुसाइड्स होती है, मेरी पूरी टाइम लाइन इस पे भरी हुई है। खैर खैर इट्स ऑल राइट, बाकी लोग बताइए आप लोगों ने अभी पिछला वाला जो ट्रिग्नोमेट्री वाला है साइन कॉस टैन और पाइथागोरस समझ में आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ बताइएगा कि समझ में आया या नहीं। सर जो जो पढ़ा रहे हैं मैं उसका स्क्रीनशॉट देता हूँ, अपने आप को सेंड कर देता हूँ ताकि बाद में भी कभी काम आ जाए। हाँ हाँ एग्जैक्टली अलीना आपके समझ में आ रहा है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मतलब विद ऑल ऑनेस्टी कोई मसले की बात नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा बता सकते हैं मुझे, कोई मतलब आई वोंट माइंड, आई एम नॉट एट दैट काइंड ऑफ अ टीचर कि भाई अरे क्यों समझ में नहीं आ रहा मैं पढ़ा रहा हूँ, इट्स ऑल राइट, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एज वेल बोथ एट द सेम टाइम। अलीना समझ में आ रहा है आपको? यस सर। सफा आपको समझ में आ रहा है? यस सर। स्टेला आपके क्या हालात हैं मैथ में? 50-50। ओके ठीक है, इट्स ऑल राइट, मतलब एट लीस्ट यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग राइट? यस सर। हां दैट्स पार्ट ऑफ इट, सही है, इट्स ऑल राइट। खैर अब हम ये करते हैं के, अच्छा देखें अब ये साइन रूल और कोसाइन रूल जो है ना ये कुछ भी नहीं है, देखें यहाँ तक ये पाइथागोरस है कोसाइन रूल बेसिकली, उसके बाद ये माइनस वाली चीज है ना ये एलिमिनेट करनी है ताकि हमें पता लग जाए कि अच्छा ये पाइथागोरस नहीं है, पाइथागोरस जैसा दिख रहा है लेकिन है नहीं, सही है? और मैंने यही बताया था कि इसके जो एंगल और जो लेंथ होती है वो अपोजिट होती है ज्यादा, ये किसी को याद है? सर वापस एक्सप्लेन करते हैं ये टॉपिक। हाँ मैं वापस से समझ कर देता हूँ, मसला नहीं है मुझे। अच्छा ये वाली जितनी भी चीजें सब आ गई सही है, इट्स ऑल राइट।
सही है, तो मैं एक काम करता हूँ, सही है अभी कुछ साइन रूल कर लेता हूँ, बट नेक्स्ट क्लास में साइन रूल करता हूँ, क्योंकि साइन रूल थोड़ा सा बड़ा है, उसमें आपने चेक भी करना होता है कि कौन सी चीज कहाँ किस किस रेफरेंस से लगती है। अच्छा देखिए कोसाइन रूल क्या है, कोसाइन रूल कुछ भी नहीं है, कोसाइन रूल सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का भाई है, इस तरह से याद रखना, सही है मैं समझाता हूँ। कोसाइन रूल क्या है, कोसाइन रूल है कोसाइन रूल बेसिकली जैसे हम पाइथागोरस लिखते थे ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। सारे लोग बताइए ऐसा ही होता है भाई, हेलो। यस यस सर, यस यस ओके सही है। अच्छा अब इसी तरह से अब जब क्योंकि ये साइन रूल क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री वाले पे लगता था, सही है 90 डिग्री वाले रहता था, अब क्या हो गया, अब 90 जब नहीं है तो क्या करेंगे हम, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो एग्जैक्टली आपका कैसा आ गया, ये तो पाइथागोरस लग रहा है ना, yes. लेकिन जब ये 90 नहीं है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस में कुछ ना कुछ माइनस करेंगे, तो हम माइनस क्या करते हैं, माइनस टू बी सी, उसके बाद हम लगते हैं कॉस एंगल ए, सही है। तो अब ये देखिए आप कि जो भी लेंथ में रख रहा हूं उसमें इक्वल टू से पहले उसका एंगल एंड में लेता हूं और जो बाकी दो लोग हैं उनको माइनस टू करके लिखता हूं, सही है। सिमिलरली अगर मैं इस तरह से लिखूंगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सही है, अरे आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, खैर मैं क्या बोल रहा हूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर मैं लिखूंगा, ठीक है, तो वो होगा क्या, माइनस टू ए सी हो जाएगा और सबसे पहले क्या लिखा था, बी स्क्वायर, राइट, तो कॉस क्या हो जाएगा, बी एंगल बी हो जाएगा, दैट्स इट। देखिए मैं समझाता हूँ सवाल, ये मैं समझाता फॉर्मुलेशन, ये दो लोग जो हैं, ये दो लोग यहाँ लिखे जाते हैं और इस इंसान का एंगल यहाँ लिखा जाएगा, दैट्स इट सही है सर। एक दफा फिर से रिपीट करें, मैं ये कह रहा हूँ तो दो लोग इक्वल टू के बाद लिखे हैं उनका माइनस के साथ टू के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और जो हाइपोटन्यूज की तरह लिखा होता है ना, मैंने जैसे देखे इक्वल टू से पहले लिखा है मैंने हाइपोटन्यूज की तरह, उसका एंगल ले लिया जाता है, ठीक है। अच्छा और ये जो है ना ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई, ठीक हो गया। जो परपेंडिकुलर और बेस बन रही होती है उसको मैं 2BC 2CB कर दूंगा, सही है, और जो पाइथागोरस का हाइपोटेन्यूज है मुझे यहाँ पे फॉर्मुलेशन में उसका मैं एंगल ले लूंगा वहां जाके, सही, ये बात समझ में आ गई। अच्छा अब जब ये बात समझ में आ गई आपको तो अब ये देखिए ए के साथ, देखिए ये ए एंगल है, सही है, और ये ए लेंथ है, ये बी एंगल है, ये बी लेंथ है, ये सी एंगल है, ये सी लेंथ है, राइट। कोसाइन रूल क्या बोल रहा है कि अगर ए स्क्वायर है, ये पाइथागोरस का हो गया, सही है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो गई, सही है, बी सी। तो देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखा जा रहा है और ए का एंगल लिखा जाएगा, सही, समझ में आ गया भाई,
नहीं सर फिर से बताएं। अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हाँ ये नेक्स्ट क्लास में भी करते हैं, अभी 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद, सही है? अभी आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाओ जरा, सही है? ओके भाई, सी यू इन अबाउट 5 to 10 मिनट्स। अल्लाह हाफिज फॉर 10 मिनट्स। ओके भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।